नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सीएस दोस्तों ब्लॉग्स में। और आज आपको लेके चलते हैं बालाजी दर्शन कराने, जो कि बांदी कोई जयपुर के 150 किलोमीटर पहले है। यहाँ से आप 1.5 घंटे 2 घंटे में आप जो है जयपुर पहुँच सकते हैं, जो कि राजस्थान में लगता है। तो आज आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या है खास। हनुमान जी की वहाँ पे मूर्ति है, जिसे बालाजी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आप गूगल कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं और थोड़ा दर्शन कराते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम जो है बालाजी दर्शन के लिए निकले हुए हैं और यहाँ पे देखिए लाइनें जो लगी हुई हैं गाड़ियों की। लोग यहाँ पे दूर दूर दराज से दर्शन करने आए हैं और सामने जो है मार्केट की दुकानें, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। मार्केटें जो आप देख रहे हैं, हर तरफ यहाँ पे आप भोजनालय से लेकर के आपको रहने के लिए हर चीज़ की व्यवस्था है। आप यहाँ पर आइए, आप अगर रूम के बारे में बात की जाए तो अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो वहाँ पे आपको 200 रुपये, 250 रुपये या 300 रुपये एक दिन का चार्ज लेते हैं। और अगर कहीं वैसे रूम लेते हैं तो 700-800 रुपये में आपको एसी के रूम मिल जाते हैं, कूलर के रूम भी अवेलेबल हैं। तो आपको रूम का टूर कराएँगे तो आप सामने देखिए। कितना दूर है अभी यहाँ से? 200 मीटर। तो सामने जैसा कि देख रहे हैं 200 मीटर यहाँ से दूर है। चलिए वहाँ पे आपको दिखाते हैं, जहाँ तक आपको दिखा सकते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केटें जो है चल रही हैं और तो जैसा कि देख रहे हैं हम जो है प्रसाद ले चुके हैं और आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये है सामने लोगों की जो भीड़ है वो सामने है, साफ और साफ दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और ये देखिए, चलिए ले चलते हैं आपको अंदर। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो है लाइनें जो लगी हुई हैं और ये लोहे का जो रॉड लगा हुआ है सामने, लाइनें जो लगी हुई हैं जो है सामने देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और पीछे जो है लाइनें लगी हुई हैं चारों तरफ। चलिए आपको दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जैसा कि देख रहे हैं अभी जो है अंदर पहुंचने वाले हैं और दिखा जहाँ तक दिखा सकते हैं वहाँ तक आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं और आगे अगर जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल। लोगों का जो भाव है यहाँ पे अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं और जैसा कि देख रहे हैं सामने जो है भीड़ अभी अंदर से बाहर निकल के आ गए हैं और दर्शन के लिए जो है सामने राम मंदिर है ना, सामने राम मंदिर है, ये राम मंदिर सामने बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और सामने जो है बालाजी हनुमान जी, वो सामने जो है बालाजी का मूर्ति आप देख सकते हैं सामने। तो वीडियो बना है, वीडियो यहीं तक बना सकते हैं और आगे नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद तो जहाँ जो कि सामने देख रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलेंगे और भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए आप ऊपर आइए और सीधे आप जा सकते हैं अंदर। और यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग बना है तो बाहर से आपको दिखा देते हैं, अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए जो है चावल और लौंग और उड़द की दाल, जो कि जो है उड़द की दाल और बतासे, और ये चावल और लौंग जो कि चढ़ने वाला है आगे चल के। और ये भैया जो अभी प्रसाद दे रहे हैं, ये प्रसाद जो है भैरव बाबा और देवराज सरकार को चढ़ने वाला है। और ये रही उनकी शॉप और यहाँ से जो है प्रसाद दिया जा रहा है, आप यहाँ पे आइए और ले सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो है पीछे लोग दर्शन करके बालाजी का वो बाहर आ रहे हैं और श्री राम जानक जी का दर्शन करने के लिए प्रस्ताव करने के लिए आपको अभी पीछे साइड में दिखाएंगे वीडियो में। और चलिए आपको ले सकते हैं श्री राम।
देख रहे हैं इसमें मिश्री और छुहारा वगैरह है, और जो कि ये श्री राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं और उनको ये चढ़ाया जाएगा। चलिए और दिखाते हैं आपको आगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो है दर्शन करने के बाद फोटो वगैरह ले रहे हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम और माता जानकी जी का भव्य स्वरूप आपको सामने दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। दर्शन हो गया कंप्लीट और हम आ चुके हैं रूम में। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।